दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ पांडे जी में। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर जो है एक नई अपडेट यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने आपका जुलाई 2020 का जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है उसका स्कीम यहाँ पर निकाल दिया है। और किस तरीके से 11 जुलाई से पेपर होगा, तो आपका क्या क्या स्कीम रहेगा, कितने बजे से टाइमिंग है, उसकी सभी ब्रांच की हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। तो आप जो है शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों 11/7/2020 यहाँ भी जो है आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और पहला पेपर आपका डीएसएमएस का रहेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको बता दें कि 2 दिन आपका गैप हो रहा है, 11 और 12 तारीख को गैप हो रहा है, फिर 13 तारीख को आपका पेपर होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। उसके बाद आपको 14 तारीख को पेपर है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड का। उसके बाद इरीगेशन इंजीनियरिंग का 15 को है, उसके बाद अर्थक्विक इंजीनियरिंग का 16 को है। उसके बाद हम आपको बता दें कि अगला जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का भी आपका यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर आपका 11 तारीख से स्टार्ट है, 15 तारीख को ख़त्म हो जा रहा है, उसका भी आप देख पा रहे हैं। डेयरी इंजीनियरिंग का भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप देख पा रहे हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर आपका 11/7/2020 को है। उसके बाद हम आपको बता दें कि जितने भी सेमेस्टर में जितने भी ब्रांच में इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, सबका जो है 11 तारीख से पेपर होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी इंडस्ट्रियल कंट्रोल का भी आपका 11/7/2020 को ही है, जैसे कि आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम यहां पर बता दें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी यहां पर 11/7/2020 से यहां पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है। उसके बाद एमसीएस का पेपर है आपका 13 तारीख को, एम्बेडेड सिस्टम जो इलेक्टिव उसका 14 को है, उसके बाद माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग आपका 14 को है, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्टिव यहाँ पर 14 तारीख को ये भी है, और माइक्रो प्रोसेसर आपका 15 तारीख को है, यानी कि 15 को आपका पेपर खत्म हो जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में यहाँ पर भी 11 तारीख को पेपर यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक बार ब्रांच होता है आपका एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, उसका भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपका जो भी यहाँ पर ब्रांच होगा यहाँ पर वीडियो को आप स्टॉप करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। लेदर टेक्नोलॉजी का भी आपका फुटवियर यहाँ पर, कंप्यूटर एंड सूट डिजाइनिंग का भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आ गया है। अब आपको बता दें डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट आपका है, एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम आपको बता दें इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का भी यहाँ पर पेपर 11 तारीख से और 15 तारीख को यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। सारी के सारे पेपर जितना है सबका टाइमिंग आपका 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक है, बिल्कुल पहले वाली टाइमिंग जो आपकी रही करती थी। उसके बाद बता दें इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन का यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन का आपके स्क्रीन के सामने है। यदि आपका ये ब्रांच हो तो आप जरूर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे जैसे वीडियो को स्क्रोल करते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कब से है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट है वो 11 तारीख से आपका पेपर देंगे 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी 14 तारीख को, इसके बाद यहाँ पर मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है आपका 16 तारीख को आपका पेपर होगा। ये सारे के सारे जो है पेपर है आपके फाइनल ईयर के पेपर हैं, सभी ब्रांच के यहाँ पर बताए जाएंगे, सिर्फ वीडियो में आप अंत तक बने रहे। अगला आपका कह रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको यदि कैड से कंप्यूटर एडेड डिजाइन से, तो आपका भी यहाँ पर स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आके आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग से यदि आप पढ़ते हैं तो उसका भी यहाँ पर आगे है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप मेंटेनेंस से पढ़ते हैं तो भी आपका मेंटेनेंस का यहाँ पर जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आपका शेड्यूल है यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद बता रहे टेक्सटाइल केमिस्ट्री का यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे पेजेस ऐसे हम आपको धीरे धीरे आपको ये स्क्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
आप देख सकते हैं दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग का भी आ गया, अब आप केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल का देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देख सकते हैं, डिप्लोमा इन पेन टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट का भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर देख सकते हैं, कारपेट टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी आपका हो दोस्तों वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपका ब्रांच अभी तक नहीं मिला है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।